इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन करने के 9 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हो। 1. अंडरस्टैंड योरसेल्फ। किसी भी गोल को हासिल करने से पहले थोड़ा समय आपको खुद के लिए निकालना चाहिए। अपने अंदर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं उस चीज़ को हासिल करने के बाद खुश हो जाऊंगा या हासिल करने के बाद भी अनसेटिस्फाइड फील करूंगा? बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके लिए क्या मांगते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के लिए क्या मांगते हो। जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप क्या पाना चाहते हो। 2. रिमूव लिमिटिंग थॉट्स। शायद इस चीज़ को मैं हासिल नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं बेकार हूँ। मैनिफेस्टेशन करने का दूसरा स्टेप है कि आप इस तरह के विचार को अपने दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि गलत विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको फुल पोटेंशियल के साथ काम करने नहीं देते। और अगर आप इस तरह के विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो आप उस चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमारे दिमाग में गलत विचार डालकर हमारे सोचने की शक्ति को कम कर देते हैं। इस तरह के विचार हमारे दिमाग में रुकावट की तरह काम करते हैं। और अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। 3. बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। अब तक आपको ये समझ आ गया कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जिस चीज़ को भी आप इस ब्रह्मांड से मांग रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको एक घर चाहिए तो उस घर की फ्लोरिंग और सीलिंग कैसी होनी चाहिए, क्या उस घर में गार्डन होना चाहिए, घर का पेंट कौन से कलर का होना चाहिए और उस घर में कितने कमरे होने चाहिए, इन सब चीज़ों की आपके दिमाग में एक तस्वीर होनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा रखते हैं तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी इस ब्रह्मांड को पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, तभी आप उसे हासिल कर पाएंगे। 4. गेट योर आस्क आउट देयर। अब तक आपको एकदम क्लियर पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, अब आपको उस चीज़ की एक तस्वीर या उसके बारे में कुछ शब्द लिखकर ऐसी जगह पर चिपकाना है जहां रोजाना आपकी नज़र पड़ती रहे। आप उस चीज़ का एक पोस्टर अपने कमरे में लगा सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में उसका वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस के विजन बोर्ड में उस चीज़ को हासिल करने के बारे में लिख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करने का अगला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है 5. मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अब तक आपने उस चीज़ के बारे में सोच लिया, उस चीज़ को हासिल करने के लिए ब्रह्मांड से मांग लिया और उसको लिख भी लिया, लेकिन जब तक आप उसको हासिल करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ कभी आपकी नहीं हो सकती। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना होगा कि आप उस चीज़ को कैसे हासिल करेंगे। अगर आपने ऐसी चीज़ मांगी है जिसे पूरा करने में 10 साल लगेंगे, तो आपको हर साल छोटे छोटे गोल बनाकर लगातार काम करना होगा, क्योंकि बिना एफर्ट्स के मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करता। 6. बिलीव इन योरसेल्फ। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है खुद पर यकीन रखो। ह्यूमन नेचर होता है कि शुरुआत में हम फुल मोटिवेट होकर काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन या कुछ महीने काम करने के बाद जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं और हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल कहता है कि हमें खुद पर और अपने लिखे हुए शब्दों पर यकीन होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, तब ये सोचो कि आपने उस काम को शुरू ही क्यों किया था, उस चीज़ को हासिल करना आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसको हासिल करने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकती है। क्योंकि जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा, तब तक आप कड़ी मेहनत और फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाओगे। आपको खुद का सबसे बड़ा शुभचिंतक बनना है, खुद से कहना है कि मैं इस चीज़ को हासिल करूँगा। 7. प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस। विजन बोर्ड की तरह पॉजिटिव एफर्मेशंस भी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है। मेरे अंदर उस चीज़ को हासिल करने की अपार शक्ति है, मैं उस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं और आपको अपने गोल को हासिल करने में मदद करते हैं। इससे आपकी सोचने की शक्ति में अच्छे बदलाव आते हैं और जिस चीज़ को भी आप मांगते हैं वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। 8. एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट स्मॉल विन्स। बड़े लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा में कभी कभी हम छोटी सफलताओं को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल किया है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर सफलता के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें आगे तक भी लेकर जाएगा। हमारे अंदर खुशी का भाव होना चाहिए
जो भी आज तक हमें मिला है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो चीज़ बड़ी होती जाती है। अगर हम खुश होने के बारे में सोचेंगे तो हमें और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर हम दुखी होते हैं तो हमें और दुख मिलते हैं। जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उसे रोज़ आपको एक डायरी में लिखना चाहिए, ताकि भविष्य में आप उसे पढ़ सकें और जान सकें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल किया है। 9. रिमेन पेशेंट। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने से एक दिन ज़रूर मिलती है। आपके अंदर उस चीज़ को हासिल करने का धैर्य होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने में समय लगता है, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कई बार असफलता हाथ लगेगी, लेकिन धैर्य रखकर काम करने से आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हो। कई बार भगवान परेशानी देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उस सफलता को हासिल करने के काबिल हो या नहीं, और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आपको अपने काम में लगे रहना होगा। आपका बिलीफ सिस्टम यानी खुद पर विश्वास आपको हर परेशानी से लड़ने की ताकत देता है। उस विश्वास को कभी कमजोर होने मत देना, क्योंकि यही विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। और जब आप इन 9 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं और आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।